गेहूं के आटे से बना हुआ एकदम खस्ता और एकदम रसीला ये खाजे की रेसिपी है, जिसे आप अपने घर की बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, अपने मेहमानों के साथ इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं शीला मौर्य अपने चैनल शीलाज मूडा फूड में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम ये बनाएंगे खाजा, जो एकदम रसीला भी है और एकदम टेस्टी भी है और मिनटों में बन के तैयार भी हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी से खुल के इसकी परतें आई हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं खाजा। तो सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, उसके लिए एक कटोरी मैंने चीनी लिया है और उसमें एक कटोरी ही पानी डाला है। अब इसको हमको पकने के लिए रख देना है और इस पे एक तार की चाशनी हमको बनानी है। तो धीमी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। इसमें थोड़ी सी इलायची और या तो केसर डालिए या तो कोई फूड कलर डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो। अब मैं इसमें एक कप आटा लेती हूँ और उसमें मैंने एक चम्मच मलाई डाली है फ्रेश घर की और एक चम्मच घी डाला है। थोड़ा सा नमक भी आप डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। और अच्छी तरीके से मसल के और आधे कप पानी के साथ में मैंने इसको आटा लगाया है। हमको आटे को हार्ड ही रखना है। तो देखिए पानी बच भी गया आधे कप में, और इस तरह से कड़क थोड़ा आटा लगा के रखना है हमको। 10 मिनट के ब्रेक के बाद में मैंने इस आटे में से 4-5 लोइयां तोड़ के अलग कर ली, और उसके बाद में इन लोइयों से हम 5 रोटियां बना के तैयार करेंगे। एक साथ 5 रोटियों को बना के आप रख लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। देखिए इस तरह से रोटियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब हम एक रोटी लेंगे इसमें से और उसके ऊपर हम लगाएंगे एक चम्मच घी और एक चम्मच आटे को फेंट के हमने ये साटा बनाया है। इसी साटे को हमको इस रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है, और इसके ऊपर से हमको दूसरी रोटी रखनी है जो हमने बना के तैयार करी है। इस तरह से इसके ऊपर दूसरी रोटी अरेंज कर दीजिए। फिर इसके ऊपर से हमने वही घी और आटे का साटा लगा देना है, और फिर इसी तरह से 5 रोटियों के ऊपर हमको साटा लगा के और एक के ऊपर एक रख के ऐसा बना लेना है। और फिर उसके बाद में हमको जैसे मैं रोल कर रही हूँ, इस तरह से आपको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद में आप थोड़ा सा उसको दबा दीजिए, जिससे परतें एकदम से खुली खुली सी ना रहें, और उसके बाद में आप उसको चाकू से अपनी मनपसंद शेप में काट लें। अब कटी हुई एक पीस को उठाएं और अपने मनचाहे शेप में उसको शेप कर लें, जैसे कि मैं इसको बर्फी के शेप में या रोम्बस शेप में इसको शेप कर रही हूँ। दबा दें, अगर परतें खुली होंगी तो दब भी जाएंगी और तलते समय ही वो अलग होंगी, ऐसे एकदम से अलग नहीं हो जाएंगी। अब देखिए इस तरह से पूरी मैंने शेप दे के तैयार कर लिया है, और तेल को गर्म करना है, लेकिन एकदम तेज़ गर्म आँच में हमको इसको नहीं तलना है। तो तेल हल्का गर्म हो तभी आप इसको डालें। कढ़ाई में जितने पीसेस आ जाते हैं उतना आप डाल दीजिए। एकदम धीमी आँच पर ही इसको तलें, जिससे कि इसकी सारी जो लेयर्स हैं वो खुल पाएँ। और पहले इसको पलटिए मत, जब एक तरफ ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए तब आप इसको पलट के दूसरी तरफ भी पकाइए। अब हम चाशनी को भी चेक कर लेंगे। चाशनी जो हमारी पक रही थी उसको भी बीच बीच में चलाते रहें, और देखें एक तार की चाशनी लेके एकदम परफेक्ट सी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये कितनी खिली खिली सी एकदम परफेक्ट परतों वाली ये मिठाई बनके तैयार होगी। देखिए एकदम धीमी आंच पे और बहुत ही पेशेंस के साथ आप इसको तलेंगे ना, तो ये ऐसी ही सारी परतें इसकी खुल के आएंगी। और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको निकाल के गरम गरम ही हम चाशनी में डालेंगे, और 2-3 मिनट तक हम अलग पलट करके उसको उसमें डिप करेंगे, और उसके बाद में निकाल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस त्यौहार पे इस रेसिपी का ज़रूर बनाएं, आप भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, और बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। थैंक यू वेरी मच।